सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कुछ लॉन्चेस की दोस्तों। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर एप्पल का इवेंट था आज, और इस इवेंट के दौरान दोस्तों यहाँ पर एप्पल ने काफी सारे नए प्रोडक्ट्स और काफी सारे नई सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों ये प्रोडक्ट्स ग्लोबल और साथ ही साथ इंडिया में भी लॉन्च किए गए हैं, जहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से आपको म्यूजिक वॉइस प्लान देखने को मिलता है, और इसकी जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर $4.99 पर मंथ। यानी दोस्तों लगभग आपको यहाँ पर ₹400 देने होंगे अगर आप यहाँ पर एप्पल म्यूजिक के वॉइस प्लान का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके साथ में एप्पल ने अपने एयरपॉड 3 को भी लॉन्च कर दिया, जिसके डिजाइन वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर स्वेट और वाटर रेस्टिंग का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है, और साथ ही यहाँ पर आपको 30 घंटे तक का टोटल प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। और गाइस, ये आपको 26 अक्टूबर से इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और इनकी प्राइसिंग की बात करें तो ये लॉन्च किए गए अराउंड यहाँ पर ₹18,500 की प्राइस पर। साथ ही एप्पल की तरफ से यहाँ पर होम पॉड मिनी भी लॉन्च कर दिए गए हैं नए कलर्स के साथ में, येलो, ऑरेंज, ब्लू, और इनकी प्राइसिंग आपको यहाँ पर अराउंड देखने को मिल जाएगी ₹10,000। और साथ ही दोस्तों ये होम पॉड मिनी आपको यहाँ पर एंड ऑफ नवंबर में देखने को मिलेंगे, और साथ ही दोस्तों ये कैसे आपको देखने को मिलने वाले हैं वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एप्पल ने अपनी M1 मैक्स चिप को भी लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको यहाँ पर एप्पल के मैकबुक प्रो 14 और 16 इंचेस के अंदर देखने को मिलने वाली है। और गाइज, अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी प्राइसिंग की यार, तो ये लैपटॉप अराउंड आपको यहाँ पर 14 इंचेस के साथ में देखने को मिलने वाले ₹1,94,000 से लेकर के ₹2,39,000 की प्राइस पर। वहीं पर दोस्तों इसका जो 16 इंचेस वाला वेरिएंट है वो आपको यहाँ पर ₹2,40,000 से लेकर के ₹3,30,000 की प्राइस पर देखने को मिलने वाले हैं। और इसकी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स वगैरह आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ये सभी आपको कैसे देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं यहाँ पर कुछ और लॉन्चेस की। हालांकि दोस्तों ये यहाँ पर इंडिया में नहीं बल्कि चाइना में लॉन्च किए गए हैं। और गाइज, यहाँ पर रियलमी ने अपने रियलमी GT Neo 2T स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली 120 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट होगी, और इसके अलावा आपको यहाँ पर MediaTek Dimensity 1200 का AI वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको 64+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4500 mAh की बैटरी और 65 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ में आपको यहाँ पर 7 GB तक की वर्चुअल रैम और VC लिक्विड कूलिंग का सिस्टम भी देखने को मिलने वाला है। बात करें प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया यहाँ पर 8 GB रैम, 128 GB मेमोरी के साथ में अराउंड यहाँ पर ₹23,900 की प्राइस पर। उसके साथ में तो इसका जो हायर वेरिएंट होगा, जहाँ पर आपको 12 GB की रैम, 256 GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिलने वाली है, उसे लॉन्च किया गया अराउंड यहाँ पर ₹29,600 की प्राइस पर। साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर Realme का Q3S स्मार्टफोन भी लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली 144Hz LCD, साथ ही Qualcomm Snapdragon 778G वाला प्रोसेसर दिया गया है, 48+2+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 30 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 GB की वर्चुअल रैम भी देखने को मिलने वाली है, और इस स्मार्टफोन आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में देखने को मिलेगा। बात करें प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया यहाँ पर 6 GB रैम, 128 GB मेमोरी के साथ में ₹18,200 की प्राइस पर। वहीं पर दोस्तों जो हायर वेरिएंट है, जहाँ पर आपको 8 GB की रैम और 256 GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिलती है, इसे लॉन्च किया गया अराउंड यहाँ पर ₹22,800 की प्राइस पर। साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलेगा वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि Realme Q3S स्मार्टफोन के साथ में यहाँ पर Realme की वॉच T1 भी लॉन्च होने वाली है, तो फाइनली इसे भी लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर आपको 1.3 इंचेस की HD राउंड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही 50 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 3D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको 110 स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट भी दिया गया है। इस वॉच के अंदर आपको यहाँ पर 7 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, 15 मिनट चार्ज करने पर आपको यहाँ पर 3 दिन तक का बैकअप देखने को मिलने वाला, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर हार्ट रेट, SpO2, स्लीप और प्रेशर मॉनिटर जैसे फीचर देखने को मिलेंगे। इसके साथ में ये स्मार्ट वॉच आपको यहाँ पर स्टेनलेस स्टील बीसेस के साथ में देखने को मिलने वाली है, और दोस्तों इसे लॉन्च किया गया अराउंड यहाँ पर ₹8,000 की प्राइस पर। गाइस, आप इसे यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि ये वॉच आपको कैसी देखने को मिलने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर Realme UI 3.0 का जो अर्ली एक्सेस होने वाला है, इसकी भी लिस्ट यहाँ पर सामने आ चुकी है कि ये जो अपडेट होगा ये किन स्मार्टफोन्स को सबसे पहले देखने को मिलने वाला है, उसकी भी यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। इतनी सारी लॉन्चेस की तो बात हो गई, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडिया लॉन्च की दोस्तों। तो यहाँ पर इंडिया में लावा ने अपने नेक बैंड को लॉन्च कर दिया है, और दोस्तों इस नेक बैंड का नाम है यहाँ पर लावा प्रो पॉड्स N1। यहाँ पर आपको 10 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको नॉइस रिडक्शन वाले फीचर भी देखने को मिलेंगे। तो फाइनली आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर पोको और रेडमी की। तो दोस्तों यहाँ पर पोको की तरफ से पोको M2 Pro
अगर आप स्मार्टफोन को यहाँ पर इंडिया में यूज कर रहे हैं गाइस, तो आपके लिए यहाँ पर बीटा मोड का जो अपडेट है MIUI 12.5 का, वो यहाँ पर रोल आउट होना शुरू हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ी जल्दी है तो आप यहाँ पर इस अपडेट को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो आपको बहुत जल्द इसका स्टेबल अपडेट भी आपके स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर Xiaomi की यार, तो Xiaomi की तरफ से आए दिन आपको यहाँ पर काफी सारे नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलते ही रहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर कुछ दिनों पहले बताया था कि Xiaomi की तरफ से आपको यहाँ पर कुछ नई स्मार्ट कार्स भी देखने को मिलने वाली है, तो फाइनली अब यहाँ पर इसको लेकर के भी एक लीक सामने आ चुकी है दोस्तों। और इस लीक के हिसाब से ये जो Xiaomi की ऑटोमोबाइल है, इसकी प्रोडक्शन आपको यहाँ पर 2024 के फर्स्ट हाफ यानी दोस्तों पहले 6 महीने के अंदर देखने को मिल सकती है। वैसे तो यार आप तो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से काफी सारे स्मार्टफोन्स देखते रहते हैं, तो अब यहाँ पर इस ऑटोमोबाइल को लेकर के आप सभी की क्या राय कमेंट्स में जरूर बताएगा। आगे बढ़ते दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर Redmi की यार, तो Redmi की तरफ से Note 11 सीरीज भी यहाँ पर चाइना की JD.com वेबसाइट पर यहाँ पर स्पॉट कर ली गई है, यानी तो ये सीरीज भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। और गाइस यहाँ पर आपको Redmi Note 11 5G, Redmi का Note 11 Pro 5G और इसके साथ में Redmi Note 11 Pro Plus 5G, ये सभी के सभी स्मार्टफोन्स यहाँ पर JD.com वेबसाइट पर स्पॉट कर लिए गए हैं। तो इसका मतलब कि ये सभी स्मार्टफोन्स आपको इसी महीने लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले। इसके अलावा से यहाँ पर Xiaomi के ऑफिशियल्स ने Redmi Note 11 Pro Plus 5G की चार्जिंग को लेकर के यहाँ पर टीजिंग वगैरह शुरू कर दी है। और दोस्तों यहाँ पर ये तो कन्फर्म हो चुका है कि यहाँ पर आपको 120 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जरूर से देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर iQOO की दोस्तों यार, तो iQOO की तरफ से iQOO Z5 X ये स्मार्टफोन कल चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ पर iQOO ने इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन को यहाँ पर क्लियर कर दिया दोस्तों। ये जो डिस्प्ले होगी आपको यहाँ पर 120Hz की रिफ्रेश रेट और 240Hz तक की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको Wi-Fi 6 और लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए फाइनली वीडियो को करते हैं एंड, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपकी डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आखिरी न्यूज़ की। तो यहाँ पर आखिरी न्यूज़ है माइक्रो मैक्स की तरफ से यार, माइक्रो मैक्स के काफी सारे नए स्मार्टफोन्स यहाँ पर ऑनलाइन स्पॉट किए गए हैं, जहाँ पर काफी सारे स्मार्टफोन्स इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन के इंक्लूजन प्रोसेस को भी पूरा कर चुके हैं। दोस्तों अब यहां पर एक एक्सक्लूसिव लीक निकल कर आ चुकी है, और दोस्तों इस लीक के हिसाब से माइक्रोमैक्स की तरफ से दो या फिर दो से ज्यादा स्मार्टफोन्स आपको बहुत जल्द इसी महीने या फिर दोस्तों अर्ली नवंबर में इंडिया के अंदर लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है कि यहाँ पर कौन सा स्मार्टफोन है जो कि यार आपको इस टाइम पर लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है माइक्रोमैक्स की तरफ से? और इसके साथ में दोस्तों आप सभी इस लॉन्च को लेकर के कितना ज्यादा एक्साइटेड है कॉमेंट्स में जरूर बताएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो जरूर से लॉन्च होने वाला है, और इसके साथ में आपको यहाँ पर कुछ बजट रेंज के स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर कौन सा स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। इसके साथ में दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।